इस तरह का तंज नहीं होना चाहिए, वो मान के चल रहे हैं कि शायद नीतीश कुमार पर आपने ट्वीट किया। हर लोगों की अपने अपनी समझदारी है ना, ये तो हर लोगों की अपने अपनी समझदारी है। कोई लोग देखता है गिलास को आधा भरा हुआ, कोई दिखता है गिलास को आधा खाली। जो अब जिसको हम मानस पिता मानते हैं उसके ऊपर हम तंज कैसे कर सकते हैं? जो मेरा नेता है जिसके लिए हम दिन भर काम करते हैं, अब तो सोचने वाली की सोच है, जिसकी जिसकी सोच होगी वैसे ही लोग समझेगा। आप आज सीएम आवास गए थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, तो रोज जाते हैं, कोई नया बात तो है नहीं, रोज जाते हैं, कल भी दिन भर साथ थे। बहुत लंबा चौड़ा आपने पोस्ट किया सोशल मीडिया पे, ये तो जनरल है, आजकल के बच्चे जो है माँ बाप का बातें नहीं सुनते हैं, तो उनके लिए था जनरल है। किसी मित्र ने हमें भेजा था, हमें लगा कि अच्छा है, हमने डाल दिया, कोई ऐसा कोई नथिंग पॉलिटिकल, जस्ट पर्सनल। ये माना जाए कि ये कोई विवाद नहीं है पार्टी में या नहीं, ये तो ऐसे किसी ने हमें भेजा, मुझे अच्छा लगा। और आज के समय में हमको लगता है कि बड़ा ये कि जितना ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी से अपने आप को दूर रखिए, काम पर ध्यान दीजिए, किसी के पीछे भागिए नहीं, जो आपका लक्ष्य है उसको पूरा करने का प्रयास की, तो यही है ना इसका पूरा मतलब। बच्चे बात नहीं सुनते हैं, अब कितना बच्चे के पीछे भागिएगा? तो ये तो एक जनरल है, इसको कोई, ये दिस वॉज ओनली पर्सनल, नथिंग पोलिटिकल। कोई नाराजगी भी है क्या पार्टी से? कोई काहे की नाराजगी रहेगी, नेता प्यार करते ही हैं, हम नेता को प्यार करते हैं, इसके अलावा और हमको बाकी से क्या मतलब है? बाकी से क्या मतलब है? पूरे मेरे राजनीतिक जीवन में जितना सम्मान नीतीश कुमार ने हमें दिया है, जितना प्यार पूरे देश की राजनीति में, जब से 1952 में संविधान बना है, मैं पहला दलित हूँ जो 6 महीना बिना मंत्री का रहा, और फिर 6 महीना बिना मंत्री का रहा, किसको इतना स्नेह मिला है? आज तक पहला, पूरे देश का मैं पहला दलित नेता हूँ जिसको नीतीश कुमार ने बिना हाउस के मेंबर रहे हुए 6 महीना तक रखा, और बिना किसी सदन के सदस्य बनाए हुए दोबारा चुनाव हुआ, उसके बाद हमको बनाए। इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? जो इस तरह का तंज नहीं होना चाहिए, वो मान के चल रहे हैं कि शायद नीतीश कुमार पर आपने ट्वीट किया। हर लोगों की अपने अपनी समझदारी है ना, ये तो हर लोगों की अपने अपनी समझदारी है। कोई लोग देखता है गिलास को आधा भरा हुआ, कोई दिखता है गिलास को आधा खाली। जो अब जिसको हम मानस पिता मानते हैं उसके ऊपर हम तंज कैसे कर सकते हैं? जो मेरा नेता है जिसके लिए हम दिन भर काम करते हैं, अब तो सोचने वाली की सोच है, जिसकी जिसकी सोच होगी वैसे ही लोग समझेगा। आप आज सीएम आवास गए थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, तो रोज जाते हैं, कोई नया बात तो है नहीं, रोज जाते हैं, कल भी दिन भर साथ थे। बहुत लंबा चौड़ा आपने पोस्ट किया सोशल मीडिया पे, ये तो जनरल है, आजकल के बच्चे जो है माँ बाप का बातें नहीं सुनते हैं, तो उनके लिए था जनरल है। किसी मित्र ने हमें भेजा था, हमें लगा कि अच्छा है, हमने डाल दिया, कोई ऐसा कोई नथिंग पॉलिटिकल, जस्ट पर्सनल। ये माना जाए कि ये कोई विवाद नहीं है पार्टी में या नहीं, ये तो ऐसे किसी ने हमें भेजा, मुझे अच्छा लगा। और आज के समय में हमको लगता है कि बड़ा ये कि जितना ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी से अपने आप को दूर रखिए, काम पर ध्यान दीजिए, किसी के पीछे भागिए नहीं, जो आपका लक्ष्य है उसको पूरा करने का प्रयास की, तो यही है ना इसका पूरा मतलब। बच्चे बात नहीं सुनते हैं, तो अब कितना बच्चे के पीछे भागिएगा? तो ये तो एक जनरल है, इसको कोई, ये दिस वॉज ओनली पर्सनल, नथिंग पोलिटिकल। कोई नाराजगी भी है क्या पार्टी से? कोई काहे की नाराजगी रहेगी, नेता प्यार करते ही हैं, हम नेता को प्यार करते हैं, इसके अलावा और हमको बाकी से क्या मतलब है? बाकी से क्या मतलब है? पूरे मेरे राजनीतिक जीवन में जितना सम्मान नीतीश कुमार ने हमें दिया है, जितना प्यार पूरे देश की राजनीति में, जब से 1952 में संविधान बना है, मैं पहला दलित हूँ जो 6 महीना बिना मंत्री का रहा, और फिर 6 महीना बिना मंत्री का रहा, किसको इतना स्नेह मिला है? आज तक पहला, पूरे देश का मैं पहला दलित नेता हूँ जिसको नीतीश कुमार ने बिना हाउस के मेंबर रहे हुए 6 महीना तक रखा, और बिना किसी सदन के सदस्य बनाए हुए दोबारा चुनाव हुआ, उसके बाद हमको बनाए। इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।